बहुत सारे लोग तो यूरोप घूमकर आए होंगे, हो सकता है आप भी घूमकर आए हो। यूरोप का एक छोटा सा लेकिन बहुत ही ज्यादा सुंदर और प्यारा लेकिन डेवलप्ड देश है फिनलैंड। तो आज बात करते हैं फिनलैंड के कुछ फैक्ट्स की, जिसे जानकर आपको अच्छा ही लगेगा। फिनलैंड में करीब 28 लाख लड़कियां हैं और वहां की टोटल पॉपुलेशन 55 लाख की है। यहां के मौसम की बात करी जाए तो वो हमेशा ही सुहाना रहता है, लेकिन गर्मियों में तो सूरज यहां पर रात के 12 बजे तक डूबता है। मैं तो भाई 9-10 बजे ही सो जाता हूं, लेकिन इतने उजाले में कैसे सोऊंगा। लेकिन मैं तो इंडिया में हूँ ना, फिनलैंड में नहीं, इसलिए सो जाऊंगा। पॉल्यूटेड कंट्री और पॉल्यूटेड सिटीज की बात करी जाए तो बड़े दुख की बात है, ये हमारा भारत है। लेकिन अगर प्योर एयर की बात करी जाए तो वो है फिनलैंड। प्योर एयर की बात करी जाए तो फिनलैंड प्योर एयर वाला तीसरा देश है। यहाँ पर प्योर एयर है और 1,87,888 झील है, यानी 1,87,888 झील, इतनी सारी झील। और यहाँ की झीलों का पानी भी प्योर है, इसे आप पी भी सकते हो। जिस तरह नायक फिल्म में अनिल कपूर एक दिन के मुख्यमंत्री बने थे, उसी तरह फिनलैंड में सिर्फ 16 साल की लड़की आवा मुटो एक दिन की प्रधानमंत्री बनी थी। वैसे फिनलैंड की प्राइम मिनिस्टर सना मैरिन भी बहुत ही ज्यादा सुंदर है। मुझे भी यार फिनलैंड में ही होना चाहिए था, इतनी सुंदर प्राइम मिनिस्टर है। और अपने यहाँ के फीमेल पॉलिटिशियंस इतनी सुंदर नहीं होती, वैसे कोई कोई होती भी है, लेकिन फिनलैंड की प्राइम मिनिस्टर सना मैरिन जैसी भाई कोई भी नहीं है। नोकिया कंपनी का कभी पूरी दुनिया में डंका बजता था, वो नोकिया कंपनी भी फिनलैंड की थी। फिनलैंड में रेस्टोरेंट डे मनाया जाता है। इस दिन यहाँ के नागरिक कहीं भी रेस्टोरेंट बना लेते हैं, चाहे वो सड़क हो या पार्क या उनका घर, उनपे किसी तरह का फाइन नहीं लगेगा। यहाँ जो भी अपनी PhD कंप्लीट कर लेता है उसे टोपी और तलवार दी जाती है, जो उसकी समझ और बहादुरी को शो करता है। और अपने भारत में तो भाई सिर्फ टोपी पहनाई जाती है। हाँ भाई, अच्छा ही हुआ मैंने PhD नहीं करी। एंग्री बर्ड्स बनाने वाली रोवियो कंपनी भी फिनलैंड की ही है। यहाँ हर साल एक अजीब सी रेस होती है, जिसमें आदमी को अपनी वाइफ को उठाकर दौड़ना होता है और जीतने वाले को अपनी वाइफ के वेट जितनी बियर मिलती। फिनलैंड में भी बहुत सारे देवदार के पेड़ हैं और इनकी जड़ें 30 मील जितनी लंबी हो जाती हैं, जो सच में बहुत ही ज्यादा है। तो दोस्तों, अगर आप फिनलैंड जाओगे तो किस रीजन से जाओगे, और अगर आप फिनलैंड घूमकर आ चुके तो आपको वहां की कौन सी चीज सबसे अच्छी लगी, ये बात भाई प्लीज कमेंट में बता दो। जय हिंद, वंदे मातरम।